बच्चों की आपसी कहासुनी इतना विकराल रूप धारण कर लेगी, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसा ही एक मामला करनाल के गांव टपराना से आया है, जहां बच्चों की कहासुनी में एक व्यक्ति की मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक चचेरे भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। मृतक का नाम गुलाब सिंह और उम्र 28 वर्ष है। उधर परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चों के कहासुनी में आपसी लड़ाई व झगड़ा हो गया था, जिसके चलते गुलाब सिंह को भारी चोटें लगी, जिसको इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उसे चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसे परिजनों में गहरा रोष व्याप्त है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मेडिकल करवाते समय भी आरोपी पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे ज्यादा चोट गंभीर होने से उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी बलजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव टपराना में बच्चों की लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति गुलाब सिंह की मौत हो गई, जिसको पोस्टमार्टम के लिए यहां लाया गया। वहीं पुलिस ने परिजनों के आरोप पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। पूरा मामला ये है जी, ये बच्चे थे छोटे छोटे से जी, नादान बच्चे थे, तो इन्होंने बच्चों की सीट में आके हमारे घर पे 15-20 आदमियों ने डंडे लाठियों और राड के साथ हमला किया जी, तो इंटे मारी जी, सारी मारी लेटरिन बाथरूम घर दीवार सब तोड़ फोड़ कर दी जी हमारे घर के अंदर आके, तो यहाँ अभी दिन का जी माखता नहीं मरा जी, तो यहाँ अभी इन्होंने सफर नहीं किया जी, भाई इनके चोट लगी ना लगी जो भी कुछ हो गया जी। उसके बाद में हम इंद्री हमारा मेडिकल होता है जी, वहाँ पे मेडिकल करवाने गए गुलाब और ये राजपाल हमारे भाई दोनों से जी, तो जी वहाँ फिर इनका पीछा किया जी, उन्होंने 8-10 बंदे थे जी ये वहाँ भी, तो इन्होंने इनके साथ वहाँ भी मोटरसाइकिल पे चलते चलते आगे पीछे लड़ा के और इनके सिर पे हमला किया जी, जिसके कारण ये सड़क पे चलते चलते गिर गए जी। तो उसके बाद में कोई राहगीर बंदे आए थे जी, उन्होंने उठाया इसको, फिर पुलिस को बुलाया उन्होंने फ़ोन करके जी, वो उसको उठा के पुलिस वाले इंद्री ले गए जी, इनका मेडिकल करा के फिर यहाँ लाए जी करनाल में, फिर यहाँ इन्होंने ट्रामा सेंटर वालों ने जवाब दे दिया जी, फिर यहाँ ले गए जी इसमें रामचंद्र हॉस्पिटल वाले ने हमारे को खर्चा बताया जी 4-5 लाख रुपये, कि गरीब आदमी हम कहाँ से देंगे जी इतना पैसा। फिर हमने बोला जी हम यहाँ कराएंगे इलाज, बावजूद हमारे को छुट्टी दे दो जी, हम चंडीगढ़ ले जाएंगे PGI में, तो जी हम PGI में ले गए जी इसको, तो PGI में वहाँ इसका इलाज किया जी। हम 7 तारीख को यहाँ से चले गए थे जी और 10 तारीख को डिस्चार्ज किए थे जी वहाँ से, वो बोले भाई घर ले जाओ इसकी सेवा पानी करो, और 17 तारीख को इसके टांके टुके वगैरह कटेंगे, तो आज ही हो गई, अगर बीच में कोई परेशानी हो फिर दिखवा लियो। तो जी हम वहाँ से आ गए, तो आ गए हम ये अपनी ससुराल उठाना। अब क्या मामला हुआ है? मामला ये है जी, अब उसको ज्यादा गहरी चोट लग रही थी जी, जिसके कारण वो उसका सीरियस हो गया जी। क्या नाम था उसका? गुलाब नाम था जी इसका भाई का जी, जिसकी डेथ हुई है जी। तो कहाँ का रहने वाला था? गाँव टपराना का रहने वाला है जी। तो अब क्या आप क्या मांग करते हैं? तो हम ये मांग करते हैं जी, उसके 2 लड़के हैं जी, 1 लड़की है, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, कच्चा परिवार है जी, उनका इनके साथ इंसाफ किया जाए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है जी, गांव टपराना से हूँ, मेरे मुस्सी का लड़का गुलाब है जी, इसकी डेथ हुई है। हाँ जी। आज यहाँ किस लिए आए? हम इसकी रात की बुड्ढी यहाँ इसमें मोचिया उसमें जमा कराई थी इन्होंने पुलिस वाले ने। क्या नाम आपका? मेरा नरेश जी। टपराना गांव में 5-6 तारीख की रात को 2 परिवारों में आपस में झगड़ा हो गया था, एक ही बिरादरी से हैं, और उस झगड़े में जो उनको चोटें लगी थी उसके बाद उन्होंने इलाज करवाया। आज हमारे को आके उन्होंने एक कंप्लेंट दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे गुलाब सिंह जो उनका व्यक्ति एक्सपायर हुआ है, कि इसकी मृत्यु उनके द्वारा मारी गई चोटों से हुई है, उसी के कारण इसकी डेथ हुई है, और जिस जिस आदमी पर आरोप लगाया है उनके नाम दिए हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहाँ के रहने वाले हैं? टपराना के ही हैं वो, एक ही परिवार है, परिवार में ही आपस में कोई छोटी मोटी बात को लेकर उनका विवाद हो गया था, जिसको लेकर झगड़ा हो गया और फिर ये चोटें लगी। अब क्या कार्रवाई की जाए? अब उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कर दी गई है और जाँच करके जो भी इसमें सच्चाई पाई जाएगी वही किया जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।